हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड यू आर वाचिंग डीटीवी इंडियाज ओनली 360 डिग्री टेक न्यूज़ प्लेटफॉर्म। आज का ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। अभी तक जितने भी लैपटॉप हमने बहुत सारे ब्रांड्स के रिव्यू किए हैं, बट ये लैपटॉप या कहें ये यूनिक डिवाइस बहुत ही इनोवेटिव है जो ASUS ने हमें दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिवाइस की ASUS के थ्रू जो डुअल डबल स्क्रीन के साथ आता है, और ये आपको पहले दिखा रहा हूं, यही वो डुअल स्क्रीन है जो लैपटॉप हमें दिया गया। ASUS ZenBook Duo 2024 एडिशन हमारे पास है और हमने इसको पहले ही देख लिया। आपके लिए भी ये पहला प्रीव्यू है, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इसमें दो स्क्रीन है, एक कीबोर्ड है। हालांकि ये एक लैपटॉप है, बट एक इनोवेटिव मशीन है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और भी बूस्ट करेगी। कभी सोचा है कि दो लोग एक साथ काम कर सके, दो स्क्रीन पे अलग अलग कंटेंट देख सके? ये सब पॉसिबल है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन के साथ और काफी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ। काफी इनोवेटिव और मजेदार वीडियो है ये। इनोवेशन ASUS ने किया है, मजेदार ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब DTV, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि ऐसे इनोवेटिव वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो विदाउट फर्दर डिले, लेट मी शो यू व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस ASUS ZenBook Duo लैपटॉप बॉक्स। ये रहा हमारा ASUS का बॉक्स, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये लैपटॉप का डब्बा निकल जाता है और साइड में चार्जर का डब्बा मिल जाता है। हाँ, हमें इसके साथ इसका कवर भी मिल जाता है लैपटॉप के लिए। अब कर लेते हैं इस बॉक्स को ओपन। बॉक्स ओपन करते ही लैपटॉप हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। काफी अच्छी पैकेजिंग और डिजाइनिंग की गई है ASUS की तरफ से। ये रहा लैपटॉप बिल्कुल स्लीक सा। रखते हैं इसे साइड में और इसके नीचे इसका यूजर गाइड और MS Office एक्टिवेशन कार्ड मिल जाता है। इसके दूसरे बॉक्स में ये चार्जर अडैप्टर 65 वॉट का मिल जाता है, और ये कन्वर्टर भी है और टाइप सी केबल सपोर्ट के साथ आता है, और लास्ट में ये ASUS पेन 2.0 मिल जाता है। कर लेते हैं लैपटॉप को जल्दी से बूट और फिर बताता हूँ आपको इस डुअल लैपटॉप की सारी डिटेल। तो दोस्तों, देखा आपने आपको बॉक्स में क्या मिल जाता है, और जो सबसे खास बात है इसका डिजाइन है, इनोवेशन है। इसके डिजाइनिंग में ऐसी इनोवेशन हो रखी है कि ये डुअल स्क्रीन का लैपटॉप है। कीबोर्ड को आप हटा सकते हैं, डिटैचेबल कीबोर्ड मिल जाता है काफी स्लीक डिजाइन में, और जो ओवरऑल इसके डिजाइनिंग है वो सबसे पहला इंप्रेसिव थिंग है। सो लेट मी टेल यू मोर अबाउट दिस डिजाइनिंग। टॉप लीड पर ASUS ZenBook की ब्रांडिंग की गई है। पूरे लैपटॉप की बिल्ड पॉलीकार्बोनेट में है, काफी अच्छी खासी सॉलिड बिल्ड की गई है इसकी। टॉप लीड फ्लेक्स भी बहुत कम है, सिंगल हैंड से भी लैपटॉप की लीड को ओपन कर सकते हैं। अंदर हमें डिटैचेबल कीबोर्ड मिल जाता है, ये भी हमें पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है, और इसका भी फ्लेक्स काफी कम है। बैक साइड में एल्युमिनियम मैग्नीशियम का बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगा, और लेफ्ट राइट डाउन फायर स्पीकर है। ऊपर की साइड इनटेक का वेंट्स मिल जाता है, और तो और इसका जो स्टैंड है वो भी मेटल का मिल जाता है, और ये किक स्टैंड ऐसे लगाने के लिए है और अपने अकॉर्डिंग लैपटॉप आप यूज कर सकते हो। इसका स्क्रीन हिंज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा बिकॉज डुअल स्क्रीन है, तो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए ऐसा डिजाइन किया गया है, और इसके डिस्प्ले काफी थिन है और इसका वेट 1.65 केजी है। डुअल स्क्रीन लैपटॉप होने के बाद भी इसका वेट काफी बढ़िया है। दोस्तों, दो स्क्रीन के साथ आने वाला ये लैपटॉप, जिसमें डिस्प्ले इसका की फैक्टर है जो इस लैपटॉप को अलग बनाता है। हम हमेशा बात करते हैं एक स्क्रीन के साइज की, बट इसमें दो स्क्रीन साइज है, वो भी सेम साइज का, और जो सारे फीचर्स एक स्क्रीन में मिलते हैं वो आपको दूसरे स्क्रीन में भी मिलते हैं। Let me tell you more about the display. Dual 14-inch screen के साथ ये लैपटॉप आता है। दोनों ही टच डिस्प्ले है, 1920x1200 रेजोल्यूशन के साथ, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, OLED टच स्क्रीन, 0.2 ms रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, 60Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको डिस्प्ले में, 500 nits पीक ब्राइटनेस, 100% DCI-P3 कलर गैमेट, फुल कलर एक्यूरेसी है, यानी वीडियो एडिटिंग ग्राफिक्स डिजाइनिंग में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और कंटेंट काफी बढ़िया दिखेगा। सो फ्रेंड, अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी में आपको क्या पोर्ट्स मिल जाते हैं? हालांकि ज्यादा पोर्ट्स तो नहीं है, बट लेटेस्ट जो आपको अभी के टेक्नोलॉजी में जो पोर्ट की जरूरत है वो सारे पोर्ट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। पोर्ट्स के मामले में हम राइट साइड में HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है, और एक हेडफोन जैक कॉम्बो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में हमें USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, और दो थंडरबोल्ट 4K टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जो कि फास्ट डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है, और चार्जिंग को भी। और डिटेचेबल कीबोर्ड में भी टाइप सी का ऑप्शन मिलता है चार्ज होने के लिए, प्लस ये कीबोर्ड जो है वो लैपटॉप से भी चार्ज हो जाता है। सो बैटरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। दो स्क्रीन को पावर देना है काफी, अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो बैटरी कंजम्पशन होना ही होना है,
बट कंपनी जो क्लेम करती है 13 आवर का बैटरी बैकअप देता है, काफी स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप क्लेम करती है। हमारे यूजेस में भी इस तरह की अगर नॉर्मल यूजेस अगर हमने डुअल स्क्रीन पे भी किया तब भी ऑलमोस्ट 13 आवर का बैकअप हमें मिल जाता है, जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ये डिपेंड करता है आपकी यूजेस पे। अगर आप बहुत ही ज्यादा मल्टीपल विंडोज यूज कर रहे हो और बट तो बैटरी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, लेकिन इस केस में जब आपको दो स्क्रीन मिल जाता है तो बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कम से कम एक दिन का बैकअप आपको दे दे। साथ में इस लैपटॉप में आपको बहुत ही इजी टू कैरी और छोटा चार्जर मिल जाता है जो आप इजिली कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। हमने इस लैपटॉप को काफी दिन तक यूज किया और हमारे ओवरऑल यूजेस में इस लैपटॉप में हमें 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप, जिसमें हमने थोड़ी वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस किया, मूवीज देखे, सॉन्ग सुने और इंटरनेट यूज किया, जिसमें कि हमें आराम से ये इतना बैकअप एक दिन में दे देता है। इसके बैटरी में आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है जिसे यूज करके आप इसके परफॉर्मेंस को अप या डाउन कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। दोस्तों डुअल स्क्रीन होने की वजह से सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें ASUS के बहुत ही इनोवेटिव सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया गया है कि जो आपके जेस्चर सपोर्ट और बहुत सारी फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करेगा। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर पर बेस्ड ये लैपटॉप है। लेट मी टेल यू मोर अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस लैपटॉप। इस लैपटॉप में हमें मिल जाता है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 185H प्रोसेसर, 32GB LPDDR5 RAM, 2TB की Gen 4 SSD मिल जाती है और इंटेल आर्क वाला GPU मिल जाता है। कनेक्टिविटी के ऑप्शन में आपको Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 और MS Office, Home और Student 2021 Lifetime जैसे सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं साथ में आपको। एक प्रोफेशनल के लिए वेब कैमरा बहुत जरूरी है। अगर आप डिजाइनर हो, प्रोफेशनल हो या कंसल्टेंट हो, कुछ भी हो, तो आपको जरूरत है अपने क्लाइंट से कनेक्ट होने के लिए और वेब कैम से आप कनेक्ट होते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स है इस वेब कैम में जो आपकी इस तरह के मीटिंग को और इस तरह के कॉल्स को सपोर्ट करेगा। इस लैपटॉप में हमें फुल HD वेब कैम मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफी डिसेंट है और हमें इसमें विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाता है जिससे हम अपने फ्रेम के बैकग्राउंड को ब्लर, ऑटो फ्रेमिंग और आई कॉन्टेक्ट जैसे फीचर्स को यूज कर सकते हैं जो आपको ओवरऑल जूम कॉल्स और मीटिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स आपको इसमें लेटेस्ट स्टाइलस 2.0 पेन मिल जाता है जो आपकी क्रिएटिविटी को और भी इनहेंस करता है और इसका जो टच, इसका जो फंक्शनैलिटी है और टच है ये काफी स्मूथ है और आपको बहुत ही हेल्प करने वाला और मजा आने वाला इस पेन को यूज करने। लैपटॉप के साथ जो ये स्टाइलस पेन आता है वो काफी यूजफुल है और आपकी प्रोडक्टिविटी को और भी इनहेंस करता है। इसका फंक्शनैलिटी और इसका यूजेस काफी स्मूथ है और कुछ स्केचेस भी हमने ट्राई करे और स्क्रॉलिंग वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग के टाइम पर भी इसे यूज किया जो काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। फ्रेंड्स अगर आप कीबोर्ड की बात करें, आप देख सकते हो कितना पतला कीबोर्ड है, कितना स्लीक कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड की खासियत ये है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट और इतना लाइट वेट है। अगर आप इनफैक्ट जब आप इसको प्लेस करोगे इसको अपने पोजीशन पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर एक स्क्रीन है और जब आप इसको इजिली निकालते हो और ये इजिली रिमूव हो जाता है और आपका डुअल स्क्रीन रेडी हो जाता है। यानी इसको लगाना और निकालना बहुत ही कन्वीनियंट है और इनफैक्ट जो ये चार्ज है वो चार्जिंग भी इसकी इनफैक्ट यहीं से हो जाती है जब हम इसको यहाँ प्लेस करते हैं। तो है ना इनोवेशन कीबोर्ड में, कीबोर्ड कॉम्पैक्ट और डिजाइनिंग इनोवेशन के साथ साथ जो कीबोर्ड पे टाइप करने का एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है। डिटेचेबल कीबोर्ड होने के बाद भी जो आपको इसमें फ्लेक्स मिलता है वो काफी सपोर्टिव है, आपके काम को काफी आसान करेगा, टाइपिंग में बहुत ही मजा आने वाले है, की स्पेस भी बहुत अच्छा है इस कीबोर्ड में। ASUS ZenBook Duo का जो प्राइस है वो 1,59,000 से स्टार्टिंग प्राइस है और ये 2,39,000 के आसपास जाता है। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, आपकी अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग वेरी कर सकती है। ये एक इनोवेटिव लैपटॉप है तो ऑब्वियसली ये कॉमन कस्टमर, आम जनता के लिए नहीं। अगर आपकी ज़रूरत ऐसा है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रेडी टू गो और बहुत ही इनोवेटिव मशीन है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही बूस्ट करने वाला है। अब बात करते हैं DTV वर्डिक का। ASUS ZenBook Duo एक कमाल का डिवाइस है, कमाल का लैपटॉप है जो आपको डुअल स्क्रीन सपोर्ट देता है, एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड देता है और ना जाने कितने सारे बेनिफिट्स देता है जो हम शायद काउंट नहीं कराएं। इस पूरे वीडियो में आपने देखा ऐसे फीचर्स हैं जो इस लैपटॉप को बिल्कुल अलग बनाता है। कुछ और ब्रांड हैं जो डुअल स्क्रीन लॉन्च कर चुके हैं बट ASUS का ये लेगेसी और ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ASUS को नंबर वन बनाता है इस ऐसे कैटेगरी में। और हमारे अपने यूजेस में इस लैपटॉप ने, जो डुअल स्क्रीन लैपटॉप है,
बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। हमारी टीम की एफिशिएंसी जब से ही हमारे लैब में था, हमारी टीम ने इसको रिग्रेसली यूज किया और हर पैरामीटर पे हमने इसको टेस्ट किया और इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया और हमें कोई निराशा नहीं मिली। सो वी कैन से दैट दिस डिवाइस ASUS ZenBook Duo इज अ अमेजिंग डिवाइस। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों ASUS ZenBook Duo का ये लैपटॉप आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे रह गई है जो आप जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछे। अगर अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ऐसा दोस्त जो कि प्रोडक्टिविटी चाहता है, अपने वर्क एफिशिएंसी में मल्टीटास्किंग चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर दिखाएं। हो सकता है उसको इस डिवाइस की जरूरत है और उसका अगर बजट इसके आसपास है तो। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और एक्स पे हमें जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम हर पल अपडेट करते हैं। किसी भी टेक न्यूज से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी न्यूज, छोटी हो बड़ी हो, वो आपको एम्पावर करती है तो हम जरूर अपडेट करते हैं। हमारी वेबसाइट www.digitalterminal.in पे जरूर लॉगिन करें और हमेशा एम्पावर्ड रहें टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कोई भी न्यूज से। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।